कुछ पता चला? ऋतिक? नहीं। प्लीज मत रोइए, संभालिए अपने आप को। मम्मा कहाँ हो आप? रुको, ठीक मुझे मेरे बच्चे की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मम्मा क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? पीछे छुप गया था, फिर वहीं सो गया था। मैं दो बार गई थी बेटा तेरे कमरे में, मैंने पलंग के नीचे भी देखा, तू नहीं था। हाँ दादी, पहले मैं घर छोड़ के चला गया था। नक्श ऐसे कोई करता है? घर छोड़ के कोई जाता है क्या? मुन्ना क्यों डांट रहा है तू लल्ला को? इसमें लल्ला की क्या गलती है? एक छोटा सा बच्चा ऐसे नहीं करेगा तो क्या करेगा अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी? जुगु, मामा पापा अगर आपको किसी चीज के लिए मना करते हैं तो आपके भले के लिए करते हैं ना बेटा। ये क्या नई चीज सीखी है आपने? ऐसे छोटी छोटी बात पे कोई घर छोड़ के जाता है क्या? आपको पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे? आप प्रॉमिस करो कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं करोगे। कोई भी बात क्यों ना हो हमसे डिस्कस करोगे, अपनी कहोगे, हमारी सुनोगे। और मम्मा मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अगली बार से घर छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, और मैं बिग बॉम्स के लिए कभी भी जिद नहीं करूंगा अगली बार से, क्योंकि बहुत डेंजरस होता है। मैंने बाहर रोड पे चलते हुए देखा था, मुझे उनसे बहुत डर लग रहा था। अरे मम्मा, मम्मा ने आपको बहुत मिस किया बेबी। मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। आपको पता है जब मैं रोड पे सारे बेबीज को देख रहा था ना अपने मम्मा पापा के पास, तो मुझे आप दोनों की बहुत याद आई थी। I love you all, mama. बेटा, we love you too. मैं बाकी सबको बताता हूँ, सब परेशान हो रहे होंगे। लल्ला, कहाँ चला गया था तू राजा? सॉरी बड़ी दादी, सॉरी दादी। ना ना लल्ला, तुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। आज जो भी हुआ है वो हमारे कारण हुआ है, आगे से हम में से कोई भी ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे। तेरी जो इच्छा होगी ना वही होगा। कृपा है भगवान की, हमारा चीकू मिल गया। हाँ माँ, पर कुछ देर के लिए सब डर गए थे। ये बच्चे भी ना बिल्कुल नहीं समझते, छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े कदम उठा लेते हैं कि माँ बाप की जान ही निकल जाए। हमारे अंशु को ही देख लीजिए, याद है देवर जी कैसे डर के मारे घर छोड़ के भाग गया था? क्या हालत हुई थी हम सबकी। चलिए अब ये सब मत सोचिए, अंत भला तो सब भला। हमारा चीकू घर वापस आ गया, ईश्वर की कृपा है। अब बस हमें उसे ये समझाना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। मैं समझाऊंगी उसे दादाजी। इसे आनी बच्ची जरूर समझाना। हाँ और सुन, तू तो कभी ऐसा नहीं करेगी ना? कभी नहीं करूंगी मेरी बच्ची। अरे चले, पूजा का समय हो गया, आइए पूजा करें। चलिए दत्ता जी, आप कमरे में आराम कीजिए। लल्ला चल बेटा, बाहर जाके दादी पोता मिलकर ढेर सारे पटाखे जलाएंगे। आप भी? और नहीं तो क्या, जितना तेरा मन हो ना उतने जलाना, और अगर कम पड़ गए तो दादी और लाके देगी। सच्ची? हाँ बेटा, और अगर कुछ और भी कभी भी चाहिए ना तो तू बस अपनी दादी से कह, मैं ला दूंगी। दादी मुझे मैजिशियन वाली ड्रेस चाहिए, फिर मैं आप सबको मैजिक करके दिखाऊंगा। नक्ष, अचानक से मैजिशियन बनने का ख्याल कहाँ से आया आपको? पापा बाहर पोस्टर लगे कोई मैजिक शो के लिए, इसलिए मुझे भी मैजिक सीखना है, और फिर मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगा, इसलिए मुझे वो वाली ड्रेस चाहिए। हाँ बेटा, मैं जरूर ला कर दूंगी। अब चलें बाहर पटाखे जलाएंगे। हाँ जरूर, चल चलो। ये
अक्षरा आपने मुझे क्यों रोका? अब देखेगा नक्श फिर से ना माँ के लाड का फायदा उठाए। नहीं नैतिक, अभी प्लीज कुछ मत बोलिए। आज जो भी हुआ उसके बाद ऐसी तो उसकी मनमानी और बढ़ती जाए। कोई तरीका ढूंढते हैं नैतिक, लेकिन मुझे लगता है अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे डुकू के मन में फिर से ये बात आए। जो उसने किया ये बहुत बड़ी बात है नैतिक, घर छोड़ के चला गया। हाँ मोना, ये तो भगवान की कृपा है कि लल्ला वापस आ गया। अगर उसे कुछ हो जाता या फिर सचमुच वो खो जाता तो? और आप खुद कितने परेशान हो गए थे, कितना घबरा गए थे आप। हाँ, और इसी बात को लेकर मैं खुद परेशान हो रहा हूँ कि उस वक्त जब मुझे हिम्मत रखनी चाहिए थी मैं डर क्यों गया। अक्षरा नक्श अभी छोटा है, बच्चा है, सही गलत की समझ नहीं है उसे। ये समझ तो हमें उसे देनी होगी, वरना जिंदगी भर ना बहुत मुश्किल होगी। घर पे सब कितना डर गए होंगे ना। हाँ, चीकू हमारे दोनों घरों में सबका लाडला है। अब पता चल रहा है घर वालों पर क्या बीतती है जब कोई ऐसा करता है। मैं भी एक बार घर से भाग गया था डर के मारे। मैंने तो पता था कि तुम डरपोक हो। उस दिन कैसे डर गए थे जब तुम्हारे घर के बाहर आ गई थी गिफ्ट देने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहाँ डरपोक हूँ। देखना तुम इस दिवाली मेरे घर पे आओगी और सबसे मिलोगी भी, मैं मिलाऊंगा तुम्हें सबसे। नो वेज। अरे ये वादा है मेरा। बाय। अब आएगा मजा, मुझे चैलेंज दे रही थी। आज तो छोटी दिवाली है ना, तो फिर चेहरों पर उदासी क्यों है? भाई हमें तो हमेशा से यही कहा गया है कि त्योहार के दिन हंसते रहना चाहिए, और यहाँ पे देख लो। अब मुन्ना जरा लल्ला से कहकर इन सब के लिए मुस्कुराहट तो ढूंढवाओ। हमेशा ऐसे ही रहा कीजिए, अच्छी लगती है। और हाँ, एक मुस्कुराहट के लिए इतनी मिन्नतें मत करवाइए। बाबूजी वो तो करवाएंगे ही ना, अब तो ये मॉडल्स हैं और हम इनके फैन। अरे सुधा, ये क्या हुआ तेरे हाथ को? छोटी दुल्हन बाजार में साइकिल वालों टकराएगो, तो जाके हाथ में लग गई। हमने तुरंत जाके डॉक्टर से पट्टी बट्टी सब कराया थे। महाराज जी इसे अंदर ले जाइए। ठीक है आ जाओ, आराम आराम से। बेचारी सुधा, आज त्योहार का दिन और इसे ये परेशानी देखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लल्ला। बेटा लल्ला ये ले गिफ्ट मेरे लिए। लेकिन क्यों? आज छोटी दिवाली है ना इसलिए। तो बड़ी दिवाली पे कुछ और मिलेगा? हाँ हाँ मिलेगा। और ये ले। ये कहां से मिला आपको माँ, और वो भी सुबह सुबह? बहू मिला नहीं, लल्ला की दादी ने रात भर बैठ के सिया है इसे। हम अगर एक बटन टाकने के लिए कह दें इनसे तो कहती है हम इस समय सुई में धागा पिरो नहीं सकते क्योंकि अंधेरा हो चुका है, कल करेंगे। और लल्ला के दिल ये देखो। दादी यू आर द बेस्ट। अरे नाना लल्ला यू आर द बेस्ट बेटा। The magician. मैं कुछ भी जादू कर सकता हूँ, तो बच के रहना आप सब लोग। इससे पहले कि ये छोटा जादूगर हमें गायब कर दे, चलो चलो जल्दी जल्दी घर के काम निपटा देते। भाभी माँ एक काम करते हैं ना, पहले वो गहने वापस रख देते हैं जो कल पूजा के लिए निकाले थे। हाँ, चल। आवरा का ढाबरा, ये जाएगा कब, गिर जाए। मेरा मैजिक चल। अरे अरे संभाल के बेटा संभाल के। धर्ष्या शौर्य देवर जी कहीं गलती से पैर ना पड़ जाए रंगोली पर, नहीं तो मेरी राजकुमारी बहुत दुखी हो जाएगी। ये अच्छा साचा दिलवाया तुमने इसे वर्षा, देखो पूरे घर में रंगोली कर दी इसने। हाँ हम सब भी कूदते फांदते चल रहे हैं। अरे मुझे क्या पता था कि इसे ये इतना पसंद आ जाएगी कि रुकेगी ही नहीं।
पापा देखो मैंने रंगोली बनाई है, कैसी है? बहुत अच्छी है बेटा, इसको देखकर लगता है आप बड़े होकर बहुत बड़े आर्टिस्ट बनोगे। थैंक यू पापा। मम्मा नीचे का सब हो गया, अब मैं ऊपर रूम में और सीढ़ियों के साइड में रंगोली बना दूं, ओके? अरे नहीं 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 नहीं। मम्मा बस छोड़ो ना मुझे, मुझे मैजिक करना है। बस बेटा दो मिनट और मालिश करती हूँ, बहुत ड्राई हो गए आपके बाल। दो मिनट तो कब से सुन रहे हैं अक्षरा, अब बस भी कीजिए ना। क्या पूरे साल की तेल मालिश एक ही दिन में कर देंगे? और नहीं तो क्या, पूरे साल में हाथ भी तो एक ही बार आता है ना। माँ सच में आपने बहुत ज्यादा तेल लगा दिया। अरे मुन्ना मुझे देखो बेटा, मेरे सर पर बाल से ज्यादा तेल है। राजपन्ना शुरू से ही तेल ज्यादा लगा था ना, तो आज सर पे बाल भी ज्यादा होते। आबरकडाबरा बकडम गिरजा दीदी की थाली में सामान आ जाएगी। गिली क्या इन्होंने ये सब्जी काटने के लिए कहा है? गिली 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 छू। वाह यस, मैं मैजिक कर सकता हूँ। वो कहाँ जा रही हूँ, दो मिनट बैठ। प्लीज आ जाना यार, अपने दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकता। अरे आधे घंटे की ही तो बात है। नहीं आ सकता यार, घर में पूजा है, मम्मी को क्या बोलूंगा? अभी चैलेंज किया है मैंने, अब मैं जसमीत को क्या बोलूंगा? आ जाना यार, तेरे दोस्त की इज्जत का सवाल है। चल ठीक है आ जाऊंगा, पर सुन सिर्फ आधे घंटे के लिए आ पाऊंगा। और याद रख तुझ पे एहसान रहेगा मेरा। हाँ 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 रखूंगा यार। चल ओके बाय। हे बाल गोपाल कैसे दोस्त है मेरे, चलो इतनी मिन्नतें करवा के और रिश्वत लेके माने तो सही घराने के लिए, अगर ये नहीं आएंगे तो जसमीत कैसे आएगी? भाभी बड़ी माँ, कल ना मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं घर पर, एक छोटी सी दिवाली की पार्टी रखी है। बेटा लेकिन कल मतलब किसी और दिन रख लेता ना, सबको घर में दिवाली की पूजा करनी होगी। बड़ी माँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए आएंगे, पूजा शुरू होने से पहले चले भी जाएंगे वापस। क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम है? नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बुला लो। हाँ बेटा बुला ले। थैंक्स भाभी, थैंक्स बड़ी माँ। वर्षा चल बेटा अंदर से। जी अरे मेरी अंगूठी कहाँ गई? कौन सी अंगूठी? नहीं है माँ, वो हीरे की अंगूठी थी ना मेरी नैतिक, जो आपने दी थी। अरे अच्छा सब डब्बे ध्यान से देखिए, किसी चीज के साथ आपने रख दी होगी, और कुछ नहीं है। क्या हुआ मम्मा, क्या खो गया? कुछ नहीं नक्ष, वो मम्मा की अंगूठी नहीं मिल रही है, लेकिन ये कहीं होगी, मिल जाएगी। मम्मा मैं ढूंढ लूंगा अपने मैजिक से, डोंट वरी। बहू तो याद करने की कोशिश करना बेटा, आखिरी बार कब पहनी थी, कहाँ रखी थी? कुछ याद नहीं आ रहा माँ। बहू रखने उठाने में कहीं गिर गई होगी, मिल जाएगी। ठीक से देखो। भाभी माँ लल्ला को देखिए ना, सच में जादू से ही अंगूठी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बेटा इसे कोई मत टोकना, बच्चे के मन में जो है उसे करने दो। बहू तू एक बार सुधा और गिरजा को भी कह दे, पता होगी तो वो भी ध्यान रखेंगे इस बात का। जी पता, मेरी मम्मा की रिंका है, उस साइड रिप्टा जिस साइड मेरी मम्मा की रिंग है। अच्छा उधर है। यस मिल गई। इन्हें देखा नहीं, पर मेरे मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा? अभी तक तो कर रहा था,
शायद मैंने मंत्र ठीक से नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं और एक बार ट्राई करता हूँ। छोटी बहू, अब तुम्हारी मौसी की तबीयत कैसी है? अब अच्छी है माँ, उन्होंने आपके लिए घर के बने मेथी के लड्डू और चूरमा भिजवाया है। अंशु, तेरे लिए कुर्ता। ये नानी ने भिजवाया है। वाह, ये तो कितना लाल है, मैं ये पहनूंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें मुंह बनाने वाली बात क्या है अंशु? नाना नानी ने प्यार से भिजवाया है तेरे लिए, उनकी कोई कदर नहीं तुम्हें? इतना बड़ा हो गया है फिर भी तमीज नहीं है? इसमें तमीज की बात कहाँ से आ गई है माँ? अब इतना गुस्सा क्यों कर रही है इतनी छोटी सी बात पर? अब मैंने कौन सा जाके नाना नानी को कह दिया है कि वो बुरा मान जाएंगे इस बात का? नहीं अच्छा लगा तो नहीं अच्छा लगा। एक तो गलत बात करता है, ऊपर से बहस करता है, ये कोई तरीका है माँ से बात करने का? अब माँ मैं क्या करूँ? वो चुप। छोटी, अब तू भी चुप हो जा। छोटी दुल्हन, मैं वहां देखती हूँ जहाँ पूजा की थी ना हमने। और बेटा, मैं सीढ़ियों पर देखती आती हूँ। अक्षरा, मैं जानता हूँ इस वक्त आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन प्लीज, इस अंगूठी से ज्यादा कीमती मेरे लिए आपकी स्माइल है। अंगूठी खो गई तो खो गई, लेकिन इस स्माइल को मत खोने दीजिए। थैंक्स नैतिक, पर फिर भी ढूंढनी तो है ना। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं साथ में। आई यस, यही पहनूंगा मैं कल। जसमीत को व्हाइट कलर बहुत अच्छा लगता है ना, देख के खुश हो जाएगी मुझे। किसका आ रहा है? जसमीत, पता है फिर तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम भी नहीं तो मैं तो गोलगप्पे वाले के बारे में सोच रही थी, तभी तो तुम्हें फोन कर लिया। क्या? कुछ नहीं, तुम भी ना झल्ले हो एक नंबर में। अच्छा सुनो ना, मैंने ना कल के लिए लाल रंग का सलवार कमीज निकाला है, पहन लो ना। हाँ हाँ पहन लो ना, तुम कुछ भी पहनो तुम्हारे ऊपर अच्छा ही लगता है। लाल तो मेरा फेवरेट कलर है। तुसी भी लाल पहन लो ना, तो दोनों मैचिंग मैचिंग लगेंगे और फोटो भी खिंचाएंगे। वैसे कितनी अजीब बात है ना, मैंने भी कल के लिए लाल कलर का ही कुर्ता डिसाइड किया है। हाय रब्बा, हमारे विचार कितने मिलते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। बड़ी माँ, मेरे कल कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, तो उनके लिए स्नैक्स मैं खुद ही बना लूंगा। कल क्यों बुलाया अंशु ने? कल तो दिवाली है ना, घर में पूजा होगी, हजार काम होंगे। अब माँ मैं उन्हें बोल चुका हूँ, और मैंने भाभी और बड़ी माँ को पूछ के ही सब किया था, आप पूछ लीजिए। दीदी मना कर दिया होता आपने? छोटी वो बस थोड़ी देर के लिए आ रहे हैं, इसीलिए आने दिया। अच्छा बता, क्या बनाना है तेरे दोस्तों के लिए? छोले भटूरे और रबड़ी जलेबी। और किसी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बना लूंगा। और माँ मुझे वो लाल कुर्ता दे दीजिए, मैं कल पहन लूंगा। आप माने या ना माने, लेकिन मुझे भावनाओं की कदर है। क्या हो गया इस लड़के को, इसकी बातों का कोई भरोसा नहीं, कभी कुछ बोलता है तो कभी कुछ। मैं वापस से ट्राई करता हूँ, क्या पता मेरी मैजिकल पावर वापस से आ जाए। अगड़म बगड़म छू, अगड़म बगड़म छू, सारी घुमी हुई चीजें वापस ला दे तू। बहू जी, ये देख बेटा, सोफे के नीचे मिला मुझे जब मैं तेरी अंगूठी ढूंढ रही थी। ये क्या है? तो टुकू के स्कूल का नोटिस है। टुकू की क्लास में सारे बच्चे स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं। उई, मैं फिर से भूल गया। तुझे पता था बहू? मुझे नहीं पता था कुछ भी। कब मिला बेटा ये? बहुत दिन पहले मम्मा, पर मैं आपको बताना भूल गया। स्कूल ट्रिप, मम्मा को बता देता हूँ, नहीं तो इसलिए भी मना कर देगी। हेलो, पर फिर यश का फोन आ गया और मैं पटाखों के चक्कर में भूल गया। लक्ष्य, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आप हमेशा ऐसे ही करते हो ना, चीजें बताना ही भूल जाते हो। डांस कंपटीशन में भी आपने यही किया था ना। मम्मा मुझे जाना है, प्लीज जाने दो ना। लक्ष्य, लगता है आपके मैजिक ने ना फिर से काम करना शुरू कर दिया है, एक और खोई हुई चीज मिल गई। यस, अभी मैं जा सकता हूँ ना पापा? नहीं लल्ला, तू नहीं जाएगा बेटा। क्यों? तू अकेले अपना ख्याल कैसे रखेगा? अकेले का होना दी, सब लोग तो है ना मेरे क्लास के। नहीं बेटा, वहाँ हम में से कोई नहीं होगा ना आपका ख्याल रखने के लिए।
बेटा तू नहीं जा सकता, दिन दिन की बात होती ना तो वैसे भी हम तुझे भेज देते, लेकिन रात को भी ना बेटा ना। प्लीज जाने दो ना दादी, मैं आपकी हर बात मानूंगा, प्रॉमिस। मम्मा की रिंग भी ढूंढ के दूंगा, पर मुझे इस ट्रिप पे जाने दो ना, बहुत मजा आता है। मेरी क्लास के सारे बच्चे जा रहे हैं। तो उन्हें जाने देना लल्ला, लेकिन तू नहीं जाएगा। तेरी सारी बात मानती हूँ, लेकिन ये नहीं मानूंगी। माँ ऐसे ट्रिप्स पे जो नहीं मुन्ना, तू इस मामले में कुछ मत कह बेटा। बहू चल हम लोग रसोई संभाले, नहीं तो ये बाप बेटे मिलकर हमारे पीछे ही पड़े रहेंगे। हाँ वैसे भी अंगूठी खो जाने से मन बहुत खट्टा हो गया। चल बहू। पापा ठीक है, फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ मैं दादी बड़ी दादी मम्मा पर मैजिक करता हूँ, जिससे वो लोग मान जाएंगे। चल ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।